हाय एवरीवन, सो मैं हूँ एकता फ्रॉम दुबई। तो आज मैंने ऑर्डर किया है पिज्जा हट से लिमोजिन पिज्जा। ये OMG, देखिए कितना कुछ हमें एक ही बॉक्स में मिला है। लेट्स सी, इतना बड़ा सा पिज्जा है जिसमें तीन अलग अलग टॉपिंग्स हैं। इसमें आप तीन टॉपिंग्स चूज कर सकते हैं क्योंकि वेजिटेरियन में दुबई में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक मार्गरिटा और एक वेरी वेजी। तो मैंने ये दोनों ऑप्शंस चूज किए थे, तो ये दो वेरी वेजी हैं और एक बीच में मार्गरिटा पिज्जा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजर्ट भी है, उन्होंने साथ में दिया है। ये है लोटस कुकी, जो लोटस बिस कॉफी आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसका उन्होंने कुकी बनाया हुआ है। साथ में यहाँ पे है मैक एंड चीज बॉल्स, पोटैटो वेजीज। तो साथ में यहाँ पे सॉस चूज करने की ऑप्शन होती है जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे फेरी पेरी चूज किया है जो कि थोड़ी सी स्पाइसी रहती है। साथ में क्रीमी रैंच मैंने चूज किया और गार्लिक मिंट चूज किया है मैंने। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अब इसका टेस्ट करके देखते हैं कि ये टेस्ट में भी उतना अच्छा है जितना दिखने में अच्छा लग रहा है। वैसे ये पैसे के हिसाब से तो मुझे वर्थ लग रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा पिज्जा है, मेरे हिसाब से 4 से 5 लोग आराम से इसे खा सकते हैं। और एक्स्ट्रा तो ऑब्वियसली स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटैटो वेजेस ले रही हूँ और एक मैक एंड चीज बॉल ट्राई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा सॉस ले लूंगी जो मुझे पसंद है। तो मैंने फेरी पेरी ले लिए, अब मैं थोड़ी सी क्रीमी रैंच अपनी प्लेट में ले लूंगी। साथ में ही थोड़ा सा गार्लिक मिंट डिपिंग भी लेते हैं। ओह माय गॉड। तो सबसे पहले पोटैटो वेजेस ट्राई करते हैं। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं बाहर से। इसको मैं फेरी पेरी से ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो लेट्स ट्राई इट। ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा स्पाइसी एक फ्लेवर दे रही है जो यहाँ पे आके हिट करता है। और वेजेस काफी क्रिस्पी हैं बाहर से, उनका जो स्किन है काफी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट, जैसा कि वेजेस को होना चाहिए। मैक एंड चीज बॉल्स को देखते हैं। ये बहुत क्रिस्पी है, ये देखिए, यू कैन हेयर इट। ओ गॉड, सो गुई, वेरी क्रिस्पी, ओ सो गुई। और ये मैक एंड चीज से बना हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर मैक एंड चीज भरा हुआ है। इसे मैं गार्लिक मिंट के साथ ट्राई करती हूँ। तो ये सच में बहुत टेस्टी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से गुई गुई मैक एंड चीज जब आपके मुंह में पिघलता है तो बहुत ही यम लगता है, और गार्लिक मिंट सॉस के साथ तो मजा ही आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं पिज्जा। तो ये मैं एक स्लाइस ये वेजिटेरियन वेरी वेजी पिज्जा का ले लूंगी। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है क्योंकि डिलीवरी में इतना तो होता है, बट दैट्स ओके, घर में माइक्रोवेव है, हम उनमें गर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक मैं मार्गरिटा, ये मुझे बहुत पसंद है। पिज्जा में देख सकते हैं कि टॉपिंग्स भर भर के डाली है और चीज डालने में भी कोई कंजूसी नहीं की है। चीज भी एकदम भरा हुआ है, टॉपिंग्स भी एकदम भरी हुई है, तो इतना मतलब काफी वर्थ है ये। तो डिलीवरी में उन्होंने वो शायद भूल गए हैं ऑरेगानो डिलीवर करना, तो मैं थोड़ा सा घर से ही सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज जब आप डाइनिंग करते हैं तो वहां पे टेबल पे रहता है सारा कुछ। इसे मैं फेरी पेरी सॉस के साथ ट्राई करूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत 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 अच्छी। तो सबसे पहले मैं इसे वेरी वेजी पिज्जा को ट्राई करती हूँ, इसे डिप करूंगी अच्छे से। सो गाइज, वेरी वेजी जैसे कि नाम है वेरी वेजी, वैसे ही बहुत सारी सब्जियों के साथ बना है और देख सकते हैं कि बेस भी बहुत अच्छे से पका हुआ है। और जैसे पैन बेस होता है वही बेस है इसमें सर्व होता है, तो बहुत ही टेस्टी है। वो पिज्जा हट का जो पिज्जा का टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ मार्गरिटा। गाइस, मार्गरिटा तो किसे पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है, बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि चीजी बहुत ही यम होता है। और इसके अंदर अच्छे से आप देख सकते हैं कि पिज्जा सॉस की अच्छे से टॉपिंग लगाई हुई है, तो बिल्कुल भी फीका नहीं लग रहा, और इस सॉस के साथ तो मजा आ गया, बहुत ही अच्छा है पिज्जा। तो अब डिजर्ट खाएंगे, मैं इतना सारा नहीं खा सकती, तो एक छोटा सा पीस मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। ये कुकी बहुत ही यम होता है, वो फ्रेशली बेक करके देते हैं, पहले से बेक्ड नहीं होती है, जो कि इसकी एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज बहुत जगह पे पहले से बेक्ड कुकी मिलती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फ्रेशली बेक्ड होती है। इसी मोल्ड में ही देखिए इन्होंने बेक किया, या साइड में लगी भी हुई है।
तो यही इसी में वो बेक करते हैं और इसी में वो सर्व कर देते हैं। तो अब इसे ट्राई करेंगे हम। तो गाइज ये लोटस कुकी बहुत यमी है, इस पे लोटस बीस कॉफी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और वो प्रोमिनेंट टेस्ट है उसका। और ये मुझे लगता है 4 स्लाइस है, आई डोंट थिंक सो ये बचेंगे क्योंकि ये बहुत यमी है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से गुई यम कुकी। और सबसे अच्छी बात है ये फ्रेशली बेक्ड है तो बहुत अच्छी लग रही है। सो गाइज हमारा तो 3-course meal सॉर्टेड है आज का, हम इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। और ये स्पेशल दुबई का सुपर लिमो पिज्जा आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी चीजें आई थिंक सो दुबई में ही हो सकती हैं, लिमोजीन पिज्जा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और सी यू नेक्स्ट टाइम।